ओके, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम इसका टॉप स्पीड के बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ चेंजेस बताऊंगा। सो दिस इज द SS मॉडल। SS मॉडल में आपको सिंगल चैनल मिलता है और ये जो शोवा का सस्पेंशन है ये ब्लैक में मिलते हैं। DS में आपको ये गोल्डन मिलते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और जो TD मॉडल है उसमें आपको गोल्डन मिलते हैं, टैंक का कलर अलग मिलेगा, इधर सिल्वर या ऑरेंज विद ब्लैक, सीट चॉकलेट कलर के मिलते हैं, सेम है। ये एग्जॉस्ट जो है TD में आपका ब्लैक कलर का मिलेगा, बाकी जो SS और DS है उसमें आपको सिल्वर कलर के मिलते हैं। वेल, इट्स अ 225cc इंजन, 19.93 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड 20.4 BHP इंजन है। टायर्स आर बाय TVS रैमलर, ग्रैबल्स है, LED इंडिकेटर्स है, एक बड़ा सा चेन कवर है। ये जो है ये प्लास्टिक मैट है, ये बस एग्जॉस्ट का साउंड को बूमी बनाने के लिए दिया है। लेग गार्ड है, एयर कूल्ड है, मतलब एयर ऑयल कूल्ड है। स्पीडोमीटर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलते हैं, बट TD में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलते हैं। डिस्टेंस टू MT दिखा देगा, कितना किलोमीटर चला है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। रेस्ट, दैट्स इट। और जो TD मॉडल है उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल किसका आ रहा है, मैसेजेस किसके आए हैं, आपका कितना एवरेज दे रहा है, वो सब उस मॉडल में दिखाता है। बाकी सब कुछ सेम है, लाइक बाय बॉडी पार्ट्स इट्स एवरीथिंग सेम। इसे आपको दो मोड मिलते हैं ABS के, एक अर्बन और एक आ गया आपका रेन। अगर आप अर्बन में चलाओगे तो आपका जो ABS का जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ा सा कम रहेगा। आप मतलब ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक पहले लगेगा फिर ABS काम करेगा। अगर आप रेन मोड में डालते हो तो उस समय क्या होगा, आपका ABS का सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सब इसका टॉप स्पीड चेक करते हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं चलते हुए। वन थिंग टू नोटिस, साइलेंट स्टार्ट। थर्ड गियर पे 90, फोर्थ गियर में 115, स्टिल इट कैन पिकअप, आई हैव टू प्रेस द ब्रेक। ब्रेक्स आर रियली अमेजिंग, रियली गुड। मतलब ABS अर्बन वाला मोड में ABS रियली वर्क्स वेल। चलिए और एक अटेम्प्ट करते हैं। सो शिफ्टेड टू फिफ्थ गियर, इसका स्टेबिलिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो मोटरसाइकिल है ये एक रेट्रो यू नो क्रूजर काइंड ऑफ मोटरसाइकिल है। ये आप डेली अपने ऑफिस यूज़ या फिर आप कोई शॉर्ट ट्रिप कर रहे हो उसके लिए आप उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप देख ही सक रहे हो कि लाइक फिफ्थ गियर पे लाइक 117-118 पे ये फ्लक्चुएट कर रहा है एंड द RPM गॉट लॉक्ड एट अराउंड 7.6 RPM। सो आई डोंट थिंक सो इतना कम स्पीड होना चाहिए इसका, बट आई विल जस्ट गिव अ डिफरेंट अटेम्प्ट ओवर दिस रोड। इट हैव गॉट अ स्लिपर क्लच, सो इट मेक्स योर राइड वेरी इजी। लाइक आप ट्रैफिक वगैरह में हो, इसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है और आप ट्रैफिक वगैरह में हो तो आप अपना डाउन शिफ्ट ईजीली कर सकते हो। ओके, फोर्थ गियर पे इट इज गोइंग टू 115 और शिफ्टेड द गियर, बट नाउ लेट्स सी आई टक इन। अगर मैं झुक भी जाता हूँ तो एरोडायनामिक के हिसाब से काम कर रहा है तो इट इज़ गोइंग टू 120, 121, 122। सो दैट्स सी, आई गेस द टॉप स्पीड ऑफ दिस रॉनिन। इसका अगर मैं एग्जॉस्ट का बात करूं तो इट्स रियली बूमी। एंड ट्रैफिक में ये बहुत अच्छे से जो है टॉर्क गेन कर लेता है। इसका लो एंड टॉर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ट्रैफिक में जब आप चलाओगे ना तो आपको वो बार बार गियर शिफ्टिंग का दिक्कत नहीं होगा। आप फोर्थ गियर पे भी आप उस बाइक को जो है ईजीली आप उसको स्पीड पर चला सकते हो। एंड दैट्स इट, टॉप स्पीड। मतलब चार गियर पे ये वही कर रहा है, 116 तक जाके वो कट ऑफ कर ले रहा है। एंड दिस इज द फिफ्थ गियर,
सो या गाइस यही है इसका टॉप स्पीड है। सो या गाइस विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राइडर राइड से मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो पे। अगर आपको रॉनिन का टीवीएस रॉनिन का अगर आपको टेस्ट राइड लेना है आप ज़रूर टेस्ट राइड ले सकते हैं आरएस टीवीएस जो कि सिलीगुड़ी में है। मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका नंबर और डिटेल्स सब दे दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनको एंड आप टेस्ट राइड ले सकते हो। एंड तब तक आपको अगर कुछ अच्छा लगा डू प्रेस लाइक बटन, कमेंट एंड कमेंट बॉक्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स और राइडर फ्रेंड्स जो ये सोच रहे हैं इस बाइक को लेने के लिए। टिल देन टेक केयर, डू नॉट राइड द वे हैव रिडन। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप कोई भी मोड में हो, अगर आपने एक्सीलेटर दबा के आपने दिया है मोड चेंज करने का तो वो कंट्रोल एरर दिखाएगा। फिर आप जब डीप थ्रॉटल करोगे तो अपने आप वो अर्बन में आ जाएगा। अगर आप थ्रॉटल छोड़ के मोड दबाते हो तो वो रेन या अर्बन में शिफ्ट होगा। अगर मैं थ्रॉटल दबा के अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे कंट्रोल एरर आएगा। तो ये जैसे आप छोड़ोगे वो रेन में आ जाएगा। रेन का सेंसिटिविटी आप देख लो, बहुत जल्दी एबीएस किक इन कर जाता है। एंड इफ़ आई शिफ्ट टू द अर्बन मोड एंड इफ आई प्रेस द ब्रेक, ओके ये ज़्यादा प्रोग्रेसिवली रुक रहा है। सो यस, दैट्स द डिफरेंस।